हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सहजन का अचार, इसे मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी कहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लगभग 1 किलो सहजन लिया था। इसको हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको हमने लगभग 1.5 इंच के पीसेस में कट किया है। अब इसको हम एक बर्तन में डालेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे आप मिट्टी के बर्तन में भी डाल सकते हैं और इसको ढककर 5 से 6 दिन के लिए हम रख देंगे इसी तरह से। तो आफ्टर 6 दिन इसको हमने पानी से निकाल लिया था और इसको थोड़ा सा धूप में सुखा लिया है ताकि इसका पानी जो है वो रिमूव हो जाए। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो पैन में 1 टेबलस्पून मेथी दाना लेंगे। इसको चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, इसे भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है। इसको भी चलाते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को हमने बारी बारी से डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। और अब इसमें हम 1 टेबलस्पून ही साबुत काली मिर्च लेंगे। इसको भी हम चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब एक ब्लेंडर जार में इसको डालेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला बनकर रेडी है। तो अब हम इस मसाले को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। पीली सरसों ऐड करेंगे लगभग 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे और लगभग 1.5 चम्मच हम इसमें वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए यूज़ किया है। अब 1 कप सरसों का तेल लेंगे और इसको धुआं निकलने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करके इनको मसालों में ऐड करेंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे मसालों का जो अरोमा है वो उभर कर आता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको गर्म ही डालेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं डालेंगे। तो देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम जो सहजन की हमने फलियां सुखा कर रखी थी उसको डालेंगे और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मसाज करके मिक्स करना है, हाथों की हेल्प से अच्छे से इसकी मसाज कर लेंगे तो सारे मसाले जो हैं वो इस पर अच्छे से लग जाने चाहिए। तो अब इसको हम एक सूखे बर्तन में डालेंगे। तो इसको हमने अच्छे से सुखा लिया था, अब जार में डालेंगे और बाकी का ऑयल भी इसमें डाल लेंगे। तो लीजिए हमारा चटपटा सहजन का अचार बनकर रेडी है। तो इसे आप सूखे हाथों के साथ और सूखे चम्मच के साथ अचार को निकालेंगे तो ये लगभग 1 साल तक अच्छे से चल जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप ही इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।